देवियों और सज्जनों, आइए हम सब मिलके तालियों के गूंज से और अपने हृदय से अभिनंदन करें हमारे दूरदेशी नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आधुनिक भारत के निर्माता और आज़ादी के अमृत महोत्सव के सूत्रधार वे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी कल्याणकारी योजनाओं से लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ इंडीड एन ऑनर एंड प्लेजर to welcome our country's visionary leader and Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. As the Prime Minister of our nation, he has touched the lives of millions of Indians and his visionary welfare schemes and his vaccination drive. The Prime Minister's vision for India is multifaceted, focusing on various aspects of development. In line with his vision of development and progress, the food processing sector in India has also seen significant growth. The Indian food industry is poised for massive growth and continues to increase to contribute to the world food trade. Ladies and gentlemen, once again, a very warm welcome to the second edition of World Food India 2023, Processing for Prosperity. देवियों और सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी से उनके स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज के इस ऐतिहासिक वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कार्यक्रम के अवसर पर हम समूह के बीच उपस्थित विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और गरीबों, पिछड़ों, दलितों के मसीहा परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी और फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय के मेरे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न देशों के माननीय मंत्रीगण, राजदूतगण एवं सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में निश्चित रूप से हम समूह के लिए एक उत्साहवर्धक है। आज वर्ल्ड फूड इंडिया के कार्यक्रम में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र अभूतपूर्व विश्वास कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग के विषय को लेकर जब कभी कोई सवाल उठता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उत्साह से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हीं के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप फूड प्रोसेसिंग लगातार ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन का भव्य समारोह सफलतापूर्वक हुआ, जिसने भारत को एक कीर्तिमान भविष्य की अनुगामी देश बनाकर वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान प्रदान की है। साथियों, बीते दिनों हमारे वैज्ञानिकों ने
चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश बना। इस सफलताओं के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, जिससे भारत को यह गौरवपूर्ण क्षण दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पहले भूख से मौत हो जाया करती थी, लेकिन अब भूख से कोई नहीं मरता। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा देश आभारी है। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के उद्देश्य भोजन की बर्बादी कम हो करना और किसान के अनाज को उचित मूल्य प्रदान करना है। इससे फूड प्रोसेसिंग और संबंधित क्षेत्र में बेरोजगार को रोजगार का अवसर तथा महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार मिलेगा। वर्ष 2022 और 23 में भारत ने $51 मिलियन मूल्य के प्रोसेस खाद्य उत्पादों का निर्यात किया। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि आत्मनिर्भरता के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल भी खाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 1300 से अधिक फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इस परियोजनाओं के माध्यम से 217 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्रोसेसिंग और संरक्षण क्षमता जोड़ी है, जिससे लगभग 32 लाख किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा 2020 और 21 से 2024 और 25 के दौरान 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्यान योजना शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। पिछले 3 वर्षों में 50,000 से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। 1,25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी प्रदान की गई है, जिससे फूड प्रोसेसिंग के लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। आपको यह जानकर खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, और इस संदर्भ में फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय इस वर्ष देश के 20 राज्यों एवं 30 जिलों में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। 3 नवंबर से 5 नवंबर 2023 तक चलने वाले इस कार्यक्रम को B2B और B2G की बैठकें, निवेशक सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन और तकनीकी सत्र शामिल है, जो फूड प्रोसेसिंग के विभिन्न पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल करते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करना है, जो फूड प्रोसेसिंग उद्योग के प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा। सभी विदेशी निवेशकों से अनुरोध है कि भारत आएँ और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश करने का निश्चित रूप से मौका दें। मैं आज के कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय, आपके बहुमूल्य संबोधन के लिए धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the Department of Commerce has been a valuable partner to World Food India and has been spearheading reverse buyer-seller meet with all the commodity board.
With these words, ladies and gentlemen, I would like to now invite Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution and Textiles for his kind address. Namaskar. Bharat ke lokpriya Pradhan Mantri, hum sab ke prerna stotr aur pure vishw mein jinhone भारत का नाम ऊंचा किया, भारत के विकास की यात्रा को विश्व तक पहुंचाया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथ यहां पे सभी वरिष्ठ केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रीगण, विश्व के कोने कोने से आए उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े महानुभाव, युवा साथी, भाइयों और बहनों, आप सभी का वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी नई ऊर्जा भर दी। आपने हम सब को एक प्रकार से गौरवान्वित किया कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक भी बच्चे को रात को भूखा नहीं सोना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम सभी कृतज्ञ हैं कि उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के 80 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के हमारे भाई बहनों को पूरी तरीके से मुफ्त में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए अनाज से देश के कोने कोने तक आज खाद्य की समस्या समाप्त हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कोविड के समय जब लोगों को दुनिया भर में चिंता थी भारत कैसे सामना करेगा कोविड का, कैसे लोगों तक खाद्य पहुंचाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहस किया कि 80 करोड़ लोगों तक दो गुना अनाज मुफ्त में पहुंचाकर एक प्रकार से विश्व का पूरे आश्चर्यचकित छोड़ दिया विश्व के लोगों को कि भारत भी ऐसा कर सके। रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, इन सब को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना भेदभाव देश के हर परिवार तक पहुंचाया। इससे आज भारत के नौजवानों में बड़ी आशा और अपेक्षा जागृत हुई है और उससे आज वो देश के निर्माण में और आर्थिक प्रगति में पूरी तरीके से तत्पर है, अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी दूरदर्शी सोच से आज भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, चाहे वो हवाई अड्डे हो, रेल की सुविधाएं हो, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज हो, ये सब एक प्रकार से देश को ताकत दे रहे हैं जिससे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो, सामान का आदान प्रदान सरल हो, सस्ता हो और देश स्पर्धा में विश्व में अपना परचम लहरा सके, जिसके कारण देश की जो निर्यात है उसमें 55% वृद्धि मात्र 2 वर्ष में हुई, लगभग 38 लाख करोड़ से बढ़कर 60 लाख करोड़ तक की निर्यात मात्र 2 वर्ष में वृद्धि होना अपने आप में एक विश्व में पहले देखा ना गया हो ऐसा उपलब्धि। और खास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे बड़े इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर्स के माध्यम से अब देश में भी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हो सके उसकी जो सुविधा आज उपलब्ध कराई है, ये हम सब के लिए एक मौका है पूरे विश्व के सामने भारत की काबिलियत, भारत के काम को दिखाने का, और विश्व में और देश भर में हमारे युवा युवतियों को, हमारे किसानों को, हमारे सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग से जुड़े उद्यमियों को, सभी को और प्रोत्साहन देना कि वो भी अब बड़ा सोच सकते हैं, बड़ी छलांग लगा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम विश्व स्तरीय वर्ल्ड एक्सपो होने जा रहा है वो खाद्य से जुड़ा हुआ विषय है, फूड प्रोसेसिंग, और जो खाद्य में हमने तरक्की की है उसको हम विश्व के सामने रख रहे हैं, और आपके कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ होना ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोच भारत को दी है वो एक प्रकार से बड़ी होलिस्टिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। उन्होंने शुरुआत से ही अलग अलग तरीके से देश को बड़ा सोचने के लिए तैयार किया, चाहे वो स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे मेक इन इंडिया का कार्यक्रम हो, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने की बात हो, या जनधन खाते देके देश को तैयार करना और फाइनेंशियली इंक्लूड करना जिससे वो अर्थव्यवस्था का भी बड़ा अंग बन सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने पहचान करी कि देश के कोने कोने में क्या चीजें ऐसी हैं जो विश्व में जाकर भारत को और नया नाम कमा सकती है। बीइंग वोकल फॉर लोकल का आपके नारे ने पूरे देश में नई ऊर्जा भर दी। आज आपने जब कहा लोकल गोज ग्लोबल, उस प्रोत्साहन के साथ देश निर्यात में भी नए कीर्तिमान प्राप्त कर रहा है। साथ ही साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपने मिशन लाइफ हो या सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन देना, रिन्यू, रीयूज, रीसाइकल, इन सब माध्यमों से देश को हर दिशा में सोचने के लिए आमंत्रण किया। डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब के रूप में तैयार करना और रोड टैप देना जिससे हमारे निर्यात में और सुविधा हो, और साथ ही साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से जो अलग अलग क्षेत्र में आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, वो आगे चल के भारत को एक बड़ा केंद्र बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। और ये जो दूरगामी सोच है, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, इससे हर वर्ग को लाभ होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे एमएसएमई हो, हमारे स्टार्टअप्स हो, हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हो, एक प्रकार से हमारे युवा युवतियों के लिए बड़े अवसरों का भंडार खोलने का काम आपके इन अलग अलग प्रयासों ने किया है। अब हमारे किसानों का जो उत्पादन है उसमें वैल्यू एडिशन होता है, और उस वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ेगी और देश की भी आर्थिक व्यवस्थाएं और मजबूत होगी। जो आज हम दसवीं से, जो 10 साल पहले भारत दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में गिने जाते थे, कमजोर इकोनॉमी थी। आपके प्रयासों से, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हम जिस प्रकार से आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और आगे चल के 3री बन जाएंगे कुछ ही वर्षों में, 3-4 वर्षों में। आपके नेतृत्व में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और आगे चल के अमृत काल में आपके नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सब कर्तव्य भावना से आपके 5 प्रण को लेकर पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्वालिटी पर फोकस, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, और किसान और हमारे गरीबों को जो नए अवसर मिल रहे हैं
उसको आगे बढ़ाते हुए हम सब आगे चलकर आपके मार्गदर्शन में इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। माननीय मंत्री महोदय, आपके उल्लेखनीय संबोधन के लिए धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ स्टैंड आउट मोमेंट इन टुडेज इवेंट इज द वन क्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड कैपिटल टू मोर देन 1 lakh सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री अंडर द PMFME प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम by the Honorable Prime Minister. Many of this SHG members are witnessing this important landmark in their life through video conferencing, and their happy faces reflect their joy. This marks a momentous stride in empowering small-scale food processing entrepreneurs. यह इन सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वह बटन दबा के इस प्रक्रिया का शुभ आरंभ करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवियों और सज्जनों, अब हम एक संक्षिप्त फिल्म दिखाने जा रहे हैं जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हुई प्रगति और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसकी एक झलक प्रदान करती है। ये विशेष प्रस्तुति हमें खाद्य प्रसंस्करण के गतिशीलता का एक स्नैपशॉट देगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नाउ हैव अ स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म व्हिच विल गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द डायनामिक रियल्म ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड अबाउट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। कैन वी प्ले द फिल्म प्लीज। द स्टोरी ऑफ फूड प्रोसेसिंग गोज बैक टू एंशिएंट टाइम्स। Early Indian civilizations used methods like sun drying, salt and fermentation. With the advent of industrialization and the Green Revolution, greater production demanded more processing. And convenience foods came in leaps and bounds with focus on traditional and healthy foods. With its rapidly growing economy, India stands tall in this journey of food processing, all set today to become the food basket of the world. And in the last 9 years, India has been flying high and performing like never before under the able leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Our strong agriculture base provides us a solid launch pad to create a vibrant food processing sector. Our vast consumer base, rising incomes, favorable investment climate, and a government dedicated to ease of doing business, all make in India the place to be for the global food processing fraternity. Today, India is the land of abundance, brimming with opportunities, excelling with record-breaking production and exports. The entrepreneurial vigor of the food processing industry has led the sector to achieve new heights. The sector has grown by 7.26% during the last few years, and processed food exports now constitute 25.6% of agri exports compared to 13.7% in 2014-15. The gross value addition of food processing sector has also increased to rupees 2.08 lakh crores in 2021-22 from rupees 1.34 lakh crores in 2014-15. The government incentive and schemes have also transformed the preservation and processing infrastructure landscape of the country.
More than 56,300 food processing enterprises have been supported during the past 9 years and seed capital provided to more than 1.25 lakh self-help groups, bringing the value chain nearer to the farmers. These projects have already resulted in creation of more than 215 lakh metric ton processing and preservation capacity, benefited about 32 lakh farmers and generated about 9.75 lakh direct and indirect employment opportunities. Today, the sector has brought smiles to many faces by becoming the largest employer of the registered manufacturing sector with a share of 12.2% in total employment. Now, it's time for all of us to celebrate together and take on every opportunity. Get ready, as more than 80 countries, 200 speakers and 12 partner ministries, departments and commodity boards are all set to converge in a one-of-a-kind event. Being inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Presenting World Food India 2023, Processing for Prosperity. Ladies and gentlemen, the moment we have all been eagerly waiting for has arrived. It is a collective desire shared by all of us to hear directly from our Honorable Prime Minister about his vision for the food processing sector and the aspirations tied to World Food India 2023. Aaye hum sabhi mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ka swagat karein aur unse anurodh karein ki ve apne pragatipurna drishtikon se hamara margdarshan karein. कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, गिरिराज सिंह जी, पशुपति पारस जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, दुनिया के अलग अलग देशों से आए सभी अतिथिगण, राज्यों से आए मंत्रीगण, उद्योग जगत और स्टार्टअप वर्ल्ड के सभी साथियों, देश भर से जुड़े हमारे किसान भाई और बहन, देवी और सज्जनों, आप सभी का वर्ल्ड फूड इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। अभी मैं टेक्नोलॉजी पेविलियन को देखकर के यहां आया हूं। जिस तरह यहां टेक्नोलॉजी पेविलियन, स्टार्टअप पेविलियन और फूड स्ट्रीट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अद्भुत है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए फ्यूचर को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का यह आयोजन और भी अहम हो गया है। फ्रेंड्स, भारत में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को आज सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। पहले वर्ल्ड फूड इंडिया से के आयोजन से जो परिणाम प्राप्त हुए, वो भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में
50,000 करोड़ का FDI आया है। ये भारत सरकार की प्रो इंडस्ट्री और प्रो फार्मर्स पॉलिसीज का परिणाम है। हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए PLI की स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत इंडस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेष सहयोग मिल रहा है। आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है, 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है। इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। पहले देश में 2 मेगा फूड पार्क होते थे, आज ये संख्या 20 से भी ज्यादा हो गई है। पहले हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 12 लाख मैट्रिक टन थी, अब ये 200 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा है। यानी 9 वर्षों में 15 गुना से ज्यादा की वृद्धि। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो पहली बार विदेशी बाजारों में जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ब्लैक गार्लिक, कच्छ का ड्रैगन फ्रूट या कमलम, मध्य प्रदेश का सोया मिल्क पाउडर, लद्दाख का कार्टिचू एप्पल, पंजाब का कैवेंडिश बनाना, जम्मू का गुच्ची मशरूम, कर्नाटका का रव हनी, ऐसे कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो कई देशों में पहली पसंद बन गए, बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
यानी आपके लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। साथियों, भारत के भीतर भी और एक फैक्टर उभर रहा है, मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बढ़ते अवसरों के साथ घर के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण पैकेज फूड की मांग बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इन पॉसिबिलिटीज के लिए, इन एम्बिशियस पॉलिसीज के लिए आपके प्लान भी उतने ही एम्बिशियस होने चाहिए। साथियों, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत की ग्रोथ स्टोरी के तीन सबसे प्रमुख आधार है, छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाएं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओस को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में हम 10,000 नए एफपीओस बनवा रहे हैं, जिनमें से 7,000 बन भी चुके हैं। इससे किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच और प्रोसेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भागीदारी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में करीब 2,00,000 माइक्रो एंटरप्राइज को संगठित किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी जैसी योजनाओं से भी छोटे किसानों और लघु उद्योगों को नई पहचान मिली है। साथियों, आज भारत दुनिया को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है। भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसका भी फायदा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हो रहा है। आज भारत में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। आप सब जानते हैं, भारत में हजारों वर्षों से फूड साइंस की लीडिंग साइंटिस्ट महिलाएं ही रही है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं के स्किल और नॉलेज का नतीजा है। अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1,00,000 से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1,00,000 से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। मैं इन महिलाओं को विशेष बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है, उतनी ही खाद्य विविधता, फूड डाइवर्सिटी भी है। हमारी ये फूड डाइवर्सिटी दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए एक डिविडेंड है। आज जिस तरह पूरी दुनिया में भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, वो भी आप सभी के लिए
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। पूरी दुनिया की फूड इंडस्ट्री के पास भारत की खाद्य परंपराओं से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे यहां सदियों से एक बात यानी एक जीवन का हिस्सा है, हर परिवार की सोच का हिस्सा है। हमारे यहां कहा जाता है यथा अन्नम तथा मन्नम, अर्थात हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। यानी फूड न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। भारत का सस्टेनेबल फूड कल्चर हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। हमारे पूर्वजों ने फूड हैबिट्स को आयुर्वेद से जोड़ा। आयुर्वेद में कहा जाता है ऋतभुक, अर्थात सीजन के हिसाब से खान पान, मित भूक अर्थात बैलेंस डाइट, और हित भूक अर्थात हेल्दी फूड्स। ये भारत की वैज्ञानिक समझ का अहम हिस्सा है। सदियों से भारत से होने वाले खाद्यान्न और खासकर मसालों के व्यापार के जरिए भारत के इस ज्ञान का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। आज जब हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब ग्लोबल हेल्थ को लेकर इतने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल और हेल्दी फूड हैबिट के इस एंशियंट नॉलेज को भी जाने, समझे और उसे एडॉप्ट करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं मिलेट्स का। इस साल दुनिया इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रही है। हम सब जानते हैं कि मिलेट्स हमारी सुपर फूड बकेट का हिस्सा है। भारत में हमने इसे श्री अन्न की पहचान दी है। सदियों से अधिकांश सिविलाइजेशन में मिलेट्स यानी श्री अन्न को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन ये बीते कुछ दशकों में भारत समेत अनेक देशों से मिलेट्स फूड हैबिट से बाहर होते चले गए। इसका बहुत बड़ा नुकसान ग्लोबल हेल्थ को भी हुआ, सस्टेनेबल फार्मिंग को भी हुआ और सस्टेनेबल इकोनॉमी को भी हुआ। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है जैसे इंटरनेशनल योग दिवस ने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, वैसे ही अब मिलेट्स भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे। अभी जब भारत ने G20 समिट में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को होस्ट किया और इसी स्थान पे हुआ था, तो उन्हें भी मिलेट से बनी डिशेस खूब पसंद आई। आज भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेट से बने प्रोसेस्ड फूड आइटम मार्केट में लॉन्च कर रही है। इस दिशा में कैसे ज्यादा से ज्यादा अवसर बने, कैसे श्री अन्न की फूड मार्केट में हिस्सेदारी बढ़े, आप सब इस पर चर्चा करें, इसका एक कलेक्टिव रोडमैप तैयार करें जिसका लाभ इंडस्ट्री और किसान दोनों को हो। फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने कई फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स के लिए चर्चा होने वाली है। इंडस्ट्री और बड़े वैश्विक हित दोनों विषय पर आप चर्चा करें, उस दिशा में कदम उठाएं। जैसे कि G20 ग्रुप ने दिल्ली डिक्लेरेशन में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर जोर दिया है।
इस विषय में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सभी पार्टनर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट वीमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा, पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। टेक्नोलॉजी भी इसमें एक अहम रोल अदा कर सकती है। हमें पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी, इससे वेस्टेज भी कम होगा, किसानों को भी फायदा होगा और प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकने में भी मदद मिलेगी। हमें किसानों के हितों और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बीच भी संतुलन बनाना होगा। मुझे विश्वास है इस आयोजन में ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से विमर्श होगा। यहां जो निष्कर्ष निकलेंगे उनसे विश्व के लिए एक सस्टेनेबल और फूड सिक्योर भविष्य की नींव पड़ेगी। आप सभी को एक बार फिर मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और मैं जो लोग दिल्ली हैं, दिल्ली के आसपास हैं, या जो इन विषय में रुचि रखते हैं, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, स्टार्टअप की दुनिया के लोग हो, किसान संगठन चलाने वाले लोग हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कभी 3 दिन ये फेस्टिवल यहां चलने वाला है, आप जरूर आइए, 2-4 घंटे लगाइए, देखिए दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, हमारे खेत की हर चीज का कितने प्रकार से उपयोग हम कर सकते हैं, हम कैसे वैल्यूएशन करके हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आज यहां मौजूद है। मेरे पास जितना समय था लेकिन उसमें जितना भी मुझे देखने का अवसर मिला वो वाकई प्रभावित करने वाला है, और इसलिए मैं यहां है जो उनको तो आग्रह करूंगा एक एक स्टॉल पर जाकर के उन चीजों को देखें, उसको आगे बढ़ाने में उसमें भी वैल्यू एडिशन का काम आप कर सकते हैं। लेकिन मैं देश के लोगों को भी कहूंगा कि जिसके पास भी दिल्ली पहुंचने की भी संभावना हो वो 3 दिन का ये फायदा उठाए और इतने बड़े भव्य आयोजन का लाभ वे भी लें। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।